क्या आप भी जीवन परिचय याद करना चाहते हैं? लेकिन याद नहीं हो रहा है। टाइम कम है, पेपर नजदीक है, तो घबराए मत। एडल्ट एकेडमी आपके लिए लाया है एक बार फिर से शानदार ट्रिक के साथ, साधारण सा जीवन परिचय भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो आपको मिनटों में याद हो जाएगा। और साथ में उनकी रचनाओं का भी बात करेंगे और उनकी भाषा क्या है। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कमिंग द बायोग्राफी। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म सन 1885 ईस्वी में एक संपन्न वैश्य परिवार काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री गोपालचंद था, जो काव्य रचना करते थे। भारतेंदु जी ने 10 वर्ष की अवस्था में माता तथा पिता के सुख से वंचित हो गए। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई और इन्होंने घर पर ही रहकर हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बांग्ला आदि भाषाओं का अध्ययन किया। इसके पश्चात इन्होंने क्वींस कॉलेज वाराणसी में प्रवेश लिया, किंतु इनका मन अध्ययन में नहीं लगा। 13 वर्ष की उम्र में ही इनका विवाह मनो देवी से हो गया। भारतेंदु जी बहुत ही उदार और दानी व्यक्ति थे। क्षय रोग से ग्रसित होने के कारण इनकी मृत्यु सन 1885 ईस्वी में मात्र 35 वर्ष की अल्पायु में हो गई। बस इतना ही एग्जाम के लिए काफी है। फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ शब्द छूटे हैं, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। रचना में सबसे पहले है काव्य कृतियां, जो इस प्रकार है: प्रेम माधुरी, प्रेम प्रलाप, प्रेम पच्चीसी, प्रेम मलिक, गीत गोविंद, फूलों का गुच्छा। इनकी नाटक है सत्य हरिश्चंद, श्री चंदावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप आदि, और उपन्यास है पूर्ण प्रकाश, चंद्रप्रभा। इनका निबंध है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ग्रंथावली, नाटक, कालचक्र, कुसुम, हिंदी भाषा आदि। भाषा इनकी है खड़ी बोली, ब्रज भाषा। आशा करते हैं कि वीडियो नॉलेजफुल रही होगी। अगर आपको जरा सा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो के अंत में बस इतना कहना चाहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लगे रहिए इसी उम्मीद के साथ। बेस्ट ऑफ लक।